नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया AC 1200 ड्यूअल बैंड राउटर, जो कि वायरलेस राउटर है। इसका मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ। तो आप देख रहे हैं टेक इन्फो, मेरा नाम है सौरभ। तो लेट्स बिगिन। नमस्कार दोस्तों, फिर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये देखिए, ये हमारा राउटर का बॉक्स है, जो कि मैंने इसकी पहले से अनबॉक्सिंग कर ली। इसके लिए मैं आपके लिए सिर्फ इसका रिव्यू वीडियो लेके आया हूँ। ये देखिए, हमारा राउटर है टेंडा का राउटर है, और यहाँ पे 3 इयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी मिल जाती है आपको। और यहाँ पे देखिए, ये AC 1200 2.4 GHz 5 GHz का राउटर है, इसलिए इसको ड्यूअल बैंड राउटर कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो बैंड है, 2.4 GHz और 5 GHz। और यहाँ पे एनेबल्ड बाय ब्रॉडकॉम लिखा हुआ है, और 5G वाईफाई ऐसा करके लिखा हुआ है। 5G मतलब मुझे पता नहीं क्या है वैसे भी। और एक 2x2 रेंज यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं 2x2 रेंज हाई पावर वायरलेस AC 1200 ड्यूअल बैंड राउटर यहाँ पे लिखा है। और तो मॉडल देख सकते हैं आप, FH1202 लिखा गया है यहाँ पे, और उसमें काफ़ी सारी खूबियाँ हैं, आपको धीरे धीरे मैं करके बताता हूँ। बॉक्स को साइड में रखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा राउटर, हाई पावर वायरलेस AC 1200 ड्यूअल बैंड राउटर है हमारा। आपने काफ़ी सारे राउटर देखे होंगे, N-type, P-type। ये AC राउटर है, जो कि एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला राउटर है। इसमें ड्यूअल बैंड है, 2.4 GHz और 5 GHz के दो बैंड है इसमें। आप 5 GHz में अपने PCs वगैरह यूज़ कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से, उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और 2.4 GHz यूज़ करेंगे तो उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा रहती है, बट स्पीड थोड़ी सी कम मिल जाती है। और 5 GHz आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको स्पीड अच्छी मिलती है, पर रेंज थोड़ी सी कम हो जाती है। ये देख लीजिए यहाँ पे, आप यहाँ पे पावर का ब्लिंक ऑप्शन है, SYS, WPS कनेक्ट, मतलब वैन पोर्ट जब कनेक्ट हो तो ये लाइट ब्लिंक होगी। ये भी वैन पोर्ट का है। ये लाइन 3 लाइन केबल्स के जो यहाँ पे आउटपुट दिए गए हैं, अगर यहाँ पे तीनों लाइन केबल्स कनेक्ट होंगे तो ये तीनों लाइन भी यहाँ पे ब्लिंक होगी। वही पर 2.4 GHz और 5 GHz की ब्लिंकिंग लाइट्स हैं यहाँ पे। 2.4 GHz में आप अगर स्विच रखेंगे तो ये वाली लाइट ब्लिंक होगी, और अगर 5 GHz में करेंगे तो ये वाली लाइट ब्लिंक होगी। तो यहाँ पे आप जल्दी से इसका रिव्यू देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक वैन पोर्ट है, 3 लाइन पोर्ट है, और एक ये पावर का बटन है। आप इसमें अपना एडाप्टर लगा के इसको पावर दे सकते हैं। ये वाईफाई ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पे वाईफाई रीसेट का बटन है। आप ये देख सकते हैं, इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है। 5 एंटीनास दिए गए हैं इसमें, काफ़ी अच्छी रेंज इसकी। मैं इसको यूज़ करता हूँ और मेरे फ्रेंड्स लोग भी इसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टेंडा हाई पावर वायरलेस AC 1200 ड्यूअल बैंड राउटर। इसका IP एड्रेस भी दी गई है, पासवर्ड वगैरह सब दिए जाते हैं आपको। इंस्टॉलेशन में काफ़ी इजी है इसकी, आप देख सकते हैं इसका। आपको मैं इसका अडाप्टर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका अडाप्टर, स्विचिंग अडाप्टर, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर भी दिया गया है। इनपुट जो है इसकी 100 और 240 वोल्ट्स दी गई है, 50 और 60 की हर्ट्स, और 0.6 एम्पियर का है जो। और आउटपुट देता है 12 वोल्ट का आउटपुट देता है, जो कि 1.5 एम्पियर है। और वार्निंग भी दी गई है, फॉर इंडोर यूज ओनली, आउटडोर आप ऐसा यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा कहा गया है इसमें। और अडाप्टर दे सकते हैं, जो कि मेड इन चाइना लिखा हुआ है। आजकल मेड इन चाइना को तो बंद करने की मांग की जा रही है, देखते आगे क्या होता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं हमारा ये राउटर है। अगर आपको कोई सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको इस वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।